हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बंगाली ऑथेंटिक रेसिपी के साथ आ गई हूँ दोस्तों। तो आज हम बनाएंगे काचा कलर भरता। এই ভর্তাটা রান্না হলে গরম গরম ভাতের সঙ্গে আর কিচ্ছু লাগে না, তাই তো? তাহলে ঠিক বললাম। তো এই ভর্তা কো বানানে কে লিয়ে মানে ইয়াহা পে তিন কাচ্চে কেলে কো সাইডস মে থোড়া স্লিট কর লিয়া হ্যায় আর উসকে বাদ ইসে হাম উবাল লেঙ্গে থোড়া সা নমক আর হলদি অ্যাড করকে। উসকে বাদ দেখিয়ে ঠান্ডা হোনে কে বাদ হাম ইসকে ছিলকে কো বহুত আসানি সে অলগ কর পায়েঙ্গে। अब यहाँ इसके छिलके को अलग करने के बाद हम इसे एक साइड में रख देंगे। यहाँ पे मैंने ले लिया है एक पैन, उसमें ऐड करेंगे हम सरसों का तेल। इस रेसिपी को आप सरसों के तेल में ही बनाएं दोस्तों, इससे इसका टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा। और उसके बाद हम इसमें थोड़े से प्याज को फ्राई कर लेंगे जब तक वो गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। प्याज हमारे गोल्डन ब्राउन हो गए थे, मैंने उसे निकाल लिया है। उसके बाद थोड़े से तेल में मैंने यहाँ पर लहसुन और सूखी मिर्च को भी अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है। अब लेना है अपने हाथों को और सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से हाथों की मदद से मिक्स करना है। इसे आप चाहे तो चम्मच या ग्लास से भी अच्छे तरीके से मिक्स कर सकते हैं, लेकिन हाथों से बना हुआ भरते का जो स्वाद है वो और कहीं का। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल।